आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट्स के, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, उसके लिए बहुत ही सुनना, उनको ये टॉपिक को सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आ रहा है कि डायबिटीज़ वाले को सेक्स की प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर धीरज सर हैं जो बताएंगे कि डायबिटीज और सेक्स में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स आती है डायबिटीज़ वाले। सर, बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स जो हमसे मिलते हैं तो वो छुपाते छुपाते अपने आप को बता देते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम, सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम्स हमें अक्सर होती है, तो इसका रीज़न क्या है, क्या हो सकता है, तो कैसे उसका निराकरण। देखिए पुरुषोत्तम जी, डायबिटीज़ का तो हम लोग पहले भी कई विषय पर चर्चा कर चुके हैं जो डायबिटीज से ऑर्गन प्रभावित होते हैं और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन यौन संबंधी जो आपका प्रश्न है वो भी एक जायज प्रश्न है, क्योंकि वहां पर भी समस्या होती है। जो हमारा वैस्कुलर सिस्टम है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, जो ब्लड का, जो रक्त का परिसंचरण होता है शरीर में, तो वैस्कुलर सिस्टम उससे प्रभावित होता है। डायबिटीज से क्या होता है कि वो आपके सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, ब्लड के फ्लो को जो है वो कम कर देता है, तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको कहते हैं वो होता है मेल में। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का काफ़ी समस्या आता है। उसके अलावा बहुत बार न्यूरोपैथी भी होता है, कभी कभी नर्व्स भी उसमें डैमेज होता है, तो वो शुगर के चलते होता है। तो डायबिटीज को नियंत्रित रखने से ब्लड का जब फ्लो आपका तेज होगा, ब्लड का फ्लो आपका रिड्यूस नहीं होगा, तो इरेक्शन भी प्रॉपरली होगा। तो ये एक समस्या जो है तो वो मेल के साथ आता है, डायबिटिक मेल के साथ। और डायबिटिक फीमेल के साथ आता है कि उसका जो एक तो जो एग का जो ग्रोथ है, वो जो ओव्यूलेशन कहते हैं जिसको, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो एग ग्रो नहीं करता है ठीक से, मैच्योर नहीं करता है। दूसरा कि लिबिडो लो हो जाता है, क्योंकि वेजिनल ड्राइनेस आ जाता है। वेजिनल ड्राइनेस के वजह से जो है, जो इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो जाता है, तो ये समस्या आती है। अगर शुगर को नियंत्रित रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर जो है आपका सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, बॉडी में लुब्रिकेशन भी ठीक रहेगा, और एक संतुलित जो जो आपका सेक्सुअल लाइफ है वो रहेगा। ये चीज़ है, इसमें बहुत विशेष कोई लंबा भाषण देने का या लंबा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो जो आपका फिजिकल रिलेशनशिप है जो सांसारिक है, तो उसके लिए बहुत भटकने का या तरह तरह का बाजार का दवाई खाने से अच्छा है कि बीमारी को जो है उसको पकड़ा जाए। और ये प्रश्न आपका बहुत उचित है, क्योंकि इसके नाम पर फिर तरह तरह का कंपनी दवाई बनाएगा, तरह तरह का उस पर फोटो साट के बेचेगा, जो कि यूजलेस है, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है और इसको शरीर के हिसाब से ही, विज्ञान के हिसाब से ही इसको समझना उचित है। और सर्कुलेशन जो आपका है, बॉडी का जो वैस्कुलर सिस्टम है वो प्रभावित होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस होता है, तो जो इरेक्शन होता है मेल में वो ब्लड के फ्लो के वजह से ही ना होता है जेनाइटल्स में, तो उसके लिए अगर आप कंट्रोल्ड वे में रहिएगा तो नहीं होगा। दूसरा कि जो आपका न्यूरोपैथी हो जाता है, न्यूराइटिस हो जाता है, नर्व्स डैमेज होता है, नर्व्स वीक होता है, तो उसका भी असर उस क्रिया पे पड़ता है। तो डायबिटीज नियंत्रित रहेगा तो वो चीज़ नहीं होगा। अच्छा, महिलाओं में ये पेनफुल कॉपुलेशन उसको अंग्रेजी में कहेंगे, मतलब कि दर्द का सहवास में जो है वो दर्द बहुत होता है, क्योंकि वेजिनल ड्राइनेस हो जाता है, और भी कई चीज़ें होती हैं। और जो एग फॉर्म होता है, ओवा जो फॉर्म होता है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत बार जो है इनफर्टिलिटी वाला भी प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेगनेंसी में भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है आप जो मतलब कि अपना करवाते हैं, जो वर्क फॉर लाइफ करवाते हैं, तो सिर्फ वर्क फॉर लाइफ मतलब कि ऐसे ही एक सिंबॉलिक नहीं है, वो एक तथ्यगत बात है, वो एक सच्चाई है। तो डायबिटीज को नियंत्रित रखने का जो टहलना है वो बहुत उत्तम उपाय है। डायबिटीज कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो है कि नहीं, तुरंत चला जाएगा, तो सिस्टम का बीमारी है।
तो इसके लिए इसको आप कंट्रोल्ड वे में आप रख सकते हैं। जिस पर क्वेश्चन होता है जब इस तरह की बीमारी लोगों को आते हैं तो वो क्योंकि बोलने में हिचकिचाते हैं, बात करने में डॉक्टर से हिचकिचाते हैं, तो तरह तरह की दवाइयां नहीं, हाँ तो जब सोशल मीडिया पर प्रसार